Hello friends, Sam here and you are watching Learn English Easily. How are you all? I hope you all are fine. Friends I love making fascinating videos related to daily life that will help you to enhance your vocabulary and speaking skills. So stay hook on to my YouTube channel that is Learn English Easily. You can also follow us on Instagram at the rate Learn English Easily with Sam. So without wasting time, let's start with today's video. टूडे इन दिस वीडियो वी विल अर्न सम न्यू वर्ड्स सो लेट्स गोइंग सो फर्स्ट वर्ड इज कुछ होना या कुछ होने से कुछ होना या कुछ होने से अब हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टाइप के सेंटेंसेस लर्न करेंगे जिसमें हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे इस वर्ड का मतलब होता है बीइंग, बीइंग. चलो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है लेट होना तुम्हारी आदत है लेट होना तुम्हारी आदत है इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलें बींग लेट इज योर हैबिट बींग लेट इज योर हैबिट नेक्स्ट देखते हैं तुम्हें लेट होना छोड़ देना चाहिए तुम्हें लेट होना छोड़ देना चाहिए इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे यू शुड स्टॉप बींग लेट यू शुड स्टॉप बींग लेट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं चुप होने का मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ चुप होने का मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ इसका हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे डज नॉट मीन दैट आई एम रॉन्ग रोंग बींगड डजनट मीन दैट आई एम रॉन्ग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं द थिंग इज दैट द थिंग इज़ दैट या द थिंग वॉज दैट द थिंग वॉज दैट ये हम दो तो टाइप से यूज़ कर सकते हैं चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है इसकी बात यह है कि आपकी बाइक चोरी हो गई है बात यह है कि आपकी बाइक चोरी हो गई है इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे द थिंग इज दैट योर बाइक वॉच टोलन द थिंग इज दैट योर बाइक वॉच टोलन नेक्स्ट एग्जाम्पल है बात यह है कि वह हमारी मदद नहीं करना चाहता बात यह है कि वह हमारी मदद नहीं करना चाहता इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे द थिंग इज दैट ही डजेंट वॉन्ट टू हेल्प अस द थिंग इज दैट ही डॉट टू हेल्प अस नेक्स्ट एग्जाम्पल है बात यह है कि उन्होंने कॉन्टैक्ट कैंसिल कर दिया बात यह है कि उन्होंने कॉन्टैक्ट कैंसिल कर दिया इस हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे द थिंग इज दैट दे कैंसिल द कॉन्टैक्ट

नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम बहस कर रहे हो और वो भी अपने पापा के साथ तुम बहस कर रहे हो और वो भी अपने पापा के साथ इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे यू आर आर गुइंग एंड डेट टू विद योर फादर यू आर आर गुइंग एंड डेट टू विद योर फादर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं मैंने उसे कल मॉल में देखा और वो भी एक लड़की के साथ मैंने उसे कल मॉल में देखा और वो भी एक लड़की के साथ इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे आई him in इन mall yesterday एंड that टू विद अ गर्ल आई saw him इन द मॉल यस्टरडे एंड that टू विद अ गर्ल नेक्स्ट example देखते हैं वह पढ़ाई कर रहा है और वो भी किताब को उल्टा पकड़ कर वह पढ़ाई कर रहा है और वो भी किताब को उल्टा पकड़ कर इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे he is studying and that too by holding the books upside down. he is studying and that too by holding the book upside down. next example देखने हैं वो shirt बिका हुआ है वो shirt बिका हुआ है इसको हम English में इस विशे बोलेंगे this shirt is sold out this shirt is sold out. next example देखते हैं कुर्सी टूटी हुई है कुर्सी टूटी हुई है इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे द चेयर इज ब्रोकन द चेयर इज ब्रोकन जब कोई चेयर में बैठता है तब हम ये सेंटेंस बोलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये नोट फटा हुआ है ये नोट फटा हुआ है इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे दिस नोट इज टॉन दिस नोट इज टॉन टॉन का मतलब होता है फटा फटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ये पन्ना फटा हुआ क्यों है ये पन्ना फटा हुआ क्यों है इसको हम इंग्लिश में इस वैसे बोलेंगे वाई इज दिस पेज टॉन वाई इज दिस पेज टॉन यहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं मैं चॉकलेट ना खाने का वादा करता हूँ मैं चॉकलेट ना खाने का वादा करता हूँ इसको हम इंग्लिश में इस वैसे बोलेंगे आई प्रोमिस नॉट टू ईट चॉकलेट आई प्रोमिस नॉट टू ईट चॉकलेट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं मैं उससे दोबारा बात ना करने का वादा करती हूँ मैं उससे दोबारा बात ना करने का वादा करती हूँ इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे आई प्रोमिस नॉट टू टॉक टू हिम अगेन आई प्रोमिस नाट टू टॉक टू हिम अगेन यहाँ पे हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम वो चीज़ दोबारा नहीं करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं मैं एग्ज़ाम में कॉपी ना करने का वादा करता हूँ मैं एग्ज़ाम में कॉपी ना करने का वादा करता हूँ इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे आई प्रोमिस नॉट टू कॉपी इन द एग्ज़ाम आई प्रोमिस नॉट टू कॉपी इन द एग्ज़ाम नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं गाली ना देने का वादा करता हूँ मैं गाली ना देने का वादा करता हूँ इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे आई प्रोमिस नॉट टू अब्यूज़ आई प्रोमिस नॉट टू अब्यूज़ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ इन द एक्सचेंज ऑफ इसका मतलब है के बदले में के बदले में हम किसी चीज़ को देखे कुछ और लेते हैं उसको बोलते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सुमित ने अपना पुराना स्कूटर के बदले नई बाइक खरीद ली सुमित ने अपने पुराने स्कूटर के बदले नई बाइक खरीद ली इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे सुमित परचेज अ न्यू बाइक इन एक्सचेंज ऑफ हिज ओल्ड स्कूटर सुमित परचेज अ न्यू बाइक इन एक्सचेंज ऑफ हिज ओल्ड स्कूटर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप मुझसे इस कार के बदले कुछ भी मांग सकते हो आप मुझसे इस कार के बदले कुछ भी मांग सकते हो इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे यू कैन आस्क मी फॉर एनी थिंग इन द एक्सचेंज ऑफ दिस कार यू कैन आस्क मी फॉर एनी थिंग इन द एक्सचेंज ऑफ दिस कार सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे विल मीट अगेन विद वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो till then smash the like button if you like the video and subscribe to learn english easily keep learning with me thanks for watching have a wonderful day bye-bye see you soon